हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में डाउनलोड और अपलोड क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं डाउनलोडिंग क्या होती है। तो यहाँ लिखा है सर्वर कंप्यूटर से प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर, यानी कि सर्वर के कंप्यूटर से। अब ये सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? तो दोस्तों, सर्वर कंप्यूटर मेन कंप्यूटर को कहते हैं जहाँ से डाटा आता है, जहाँ से हम डेटा को प्राप्त करते हैं। तो वही लिखा है कि सर्वर कंप्यूटर से प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने की क्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। यानी कि सर्वर कंप्यूटर मेन कंप्यूटर को कहते हैं और मेन कंप्यूटर पर सारा डाटा स्टोर होता है। यानी कि जो मेन कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर से प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर, यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़र का कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में, अपने स्मार्टफोन में डाटा को, फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, तो जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं उस कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, और जो कंप्यूटर हमारा होता है उस कंप्यूटर को प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपलोडिंग क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर से सर्वर के कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने की क्रिया अपलोडिंग कहलाती है। अब दोस्तों, अपलोडिंग में क्या होता है? जो यूज़र का कंप्यूटर होता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम अपने कंप्यूटर से सर्वर के कंप्यूटर पर फाइल्स को कॉपी करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग अपलोडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग कभी फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने पर वहाँ पर हमको फ़ोटो और साइन अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो और साइन को अपलोड करने के लिए हम अपने कंप्यूटर से सर्वर के कंप्यूटर में उस फाइल को कॉपी कर देते हैं, फ़ोटो और साइन को कॉपी करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम अपलोडिंग कहते हैं। और जब हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके या किसी सर्वर के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डेटा या फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।